सही। तो आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग पे काम करने से पहले क्या चेक करें, स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सही से खड़ा हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस बना लो, है ना। कोरोना का दौर चलना शुरू हो गया मालूम है ना। तो हम बात क्या करेंगे, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पे इतना दिन से आप लोग काम कर रहे हो, कोई बताएगा आप लोग काम करने से पहले उस पर क्या चेक करते हो? कोई भी बताएगा, कोई भी, एनीबॉडी? नहीं, इतना दिन से काम कर रहे हो ना, नहीं ना। देखिए, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है, उसके बाद उसमें टैगिंग होता है ना, वो टैगिंग सिस्टम आज समझ लेते हैं, और उस पर काम करने से पहले हम क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे, तब उस पर काम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है ना। समझ में आए बता देना कि सर एक बार फिर से समझवाइए क्या है ये, क्योंकि स्कैफोल्डिंग सबसे ज़्यादा खतरा वाला काम होता है, स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करना है ना। क्लियर है? ठीक है जी, तो समझो पहले कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग जो है एक टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म है। टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि बस काम के लिए बनाया हुआ है ना, जितना देर काम है उसको उतना देर रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं, खोल देते हैं, है ना। एक भाड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, भाड़ा बोलते हैं, समझ गए। यही स्कैफोल्डिंग है, एक टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म है जिसको काम अपने एक पर्टिकुलर काम के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेज करते हैं, मतलब बनाते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए उसमें क्या होता है, टैगिंग सिस्टम होता है। आपको ना जब ना स्कैफोल्डिंग, कोई भी स्कैफोल्डिंग पे काम करने जाए तो सबसे पहले चेक करिए कि टैग लगा हुआ है कि नहीं। उस पर तीन तरह का, देखो हमारे ना सिस्टम में तीन तरह का टैग लगता है। एक होता है ग्रीन टैग। ग्रीन टैग किसके लिए लगाते हैं, ग्रीन टैग अगर स्कैफोल्डिंग पे लगा हुआ है मतलब ये है कि आप वो सेफ है काम करने के लिए, उस पर काम कर सकते हैं। स्कैफोल्डर इंस्पेक्टर जो है उसको चेक करता है, चेक करके सभी कंडीशन को चेक करके लगाता है ग्रीन टैग। अगर लगा दिया तो समझो आप एक एज ए वर्कर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर येलो टैग, देखो एक होता है पीला टैग। कौन सा पीला? पीला टैग का मतलब ये होता है कि उसमें मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है स्कैफोल्डिंग में, आपको उस पर नहीं काम करना है। जो काम करेगा सिर्फ स्कैफोल्डर उसके ऊपर काम करेगा, उसको बनाएगा, जो भी करना है उसमें सही तरीका सही करेगा, ठीक है जी। ये किसके लिए, कौन सा टैग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अभी अंडर प्रोसेस है ना, मतलब ये रिपेयरिंग के लिए अभी है। कौन सा टैग, कौन सा? अरे पीला। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, अगर हरा टैग का मतलब आप सेफ है काम करने के लिए, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीला टैग लगा मतलब आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ कौन करेगा, इसका फोल्डर। और एक होता है रेड टैग। रेड टैग का मतलब कि अनसेफ है, उस पर आपको नहीं चढ़ना है, उस पर आपको काम नहीं करना है ना। वो इरेक्शन जब करते हैं उसके समय, जब आप इसका फोल्डर होना, अगर मान लो कोई इसका फोल्डर है वो लगाया हुआ है, कब, जब वो बनाता है उसको या तो डिसमेंटल करेगा या तो बनाएगा, शुरू करेगा, ठीक है, उसके लिए टैग लगता है। तीन तरह का टैग समझ में आया, देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना कौन कौन सा, हरा, पीला और लाल। क्लियर है? अब देखो, अब हमें ना अगर मान लो कि आप काम करने जा रहे हो, या हम कोई भी अगर आप चेक करने जा रहे हो, अगर मान लो आपको भी ना लगता है कि हमें चेक करना चाहिए, कोई अगर टैग लगा के चल गया फिर भी अगर आपको दिख रहा है कि ये गलत है, तो क्या क्या चेक करोगे आपको बता दे। सबसे पहले देखो यहाँ पर, यहीं पर स्कैफोल्डिंग देखो, सबसे पहले होता है कि उसका बेस प्लेट आपको देखना है कि बेस प्लेट उसमें सही था। बेस प्लेट से पहले ये देखेंगे ना कि जहाँ पर आपका भाड़ा बना रहे हो या भाड़ा बना हुआ है उसके नीचे समतल जमीन है, बढ़िया है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, उसका लोड लेने लायक है कि नहीं, है ना, पक्का किया हुआ है कि नहीं। क्लियर है, समझ में आया। अगर पक्का नहीं है तो अगर समतल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, समतल मतलब प्लेन, समझ में आ रहा है ना, ये आपको देख लेना जरूरी। नंबर सेकेंड ये देखना है कि उसमें बेस प्लेट लगता है। बेस प्लेट आप लोग पता है ना, बेस प्लेट नहीं पता, पता है ना बेस प्लेट, बेस प्लेट कोई, हाँ नीचे वाला है ना, उसका थिकनेस होता है उसका क्या, कोई बताएगा क्या होता है उसका, कितना बाई कितना का होता है, कोई बताएगा? नहीं। स्कैफोल्डर आप इसमें कोई स्कैफोल्डर है क्या? नहीं है, समझ लो 300 × 300 × 6 mm का होता है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, 300 × 300 × 6 mm। क्लियर है? फिर उसका होता है बेस प्लेट का बाद होता है उसका सोल प्लेट के बाद होता है बेस प्लेट, नहीं बेस प्लेट फिर सोल प्लेट, ठीक है। नीचे वाला जो होता है सबसे नीचे बेस प्लेट, उसके बाद सोल प्लेट। सोल प्लेट कितना होता है, 150 × 150 × 6 mm। क्लियर है, सब याद कर लेना, अगर आप इसका फोल्डर हो तो काम करेगा। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे हम, उसका जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल मतलब जो खड़ा है, हॉरिजेंटल मतलब जो ऐसे है। क्लियर है, वो सही तरीका से है कि नहीं, सही तरीका से वो जो है उसका कैपलॉक लगा हुआ कि नहीं, है ना, जो आपको दिख रहा है ना वो फंसा हुआ ना चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि निकला हुआ उस पर काम करना शुरू कर दिए, नहीं, आपको बहुत बड़ा खतरा का भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है।
फिर क्या चेक करेंगे, कपलिंग के बाद क्या चेक करेंगे, उसका प्लैंक, प्लैंक समझ में आता है, जाली जिसको बोलते हैं, जाली सही तरीका से है कि नहीं, उसके बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं है। ज़्यादा गैप होगा तो क्या होगा कि कोई भी मटेरियल रखेंगे ऊपर से नीचे आ जाएगा, है ना, अगर नीचे कोई खड़ा है तो उसको भी बहुत बड़ा लॉस होगा। तो उसको जाली को भी चेक कर लेना है सही तरीका से बांधा हुआ है कि नहीं, उसके बीच में ज़्यादा गैप तो नहीं है, क्लियर है ना। फिर उसको क्या करना है, अभी देखो टो गार्ड नहीं लगा हुआ है ना, टो गार्ड आता है, टो गार्ड का मतलब समझ जाओ, जहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसके बाद एक टो गार्ड आता है ताकि कोई भी मटेरियल नीचे ना गिरे, उसके लिए समझ में आया। टो गार्ड का जो लंबाई होता है वो 6 इंच होता है, 6 इंच कितना होता है, 6 इंच। फिर उसके बाद आपको लोग क्या लगाते हो, देखो ऊपर लगा हुआ है, एक होता है मिड रेल, एक होता है टॉप रेल, समझ में आ रहा है बात। स्कार्फ फोल्डिंग के ऊपर क्या होता है, एक मिड रेल एक टॉप रेल। तो मिड रेल जो होता है 450 mm, कितना 450 mm पे लगाया जाता है, और टॉप रेल वो 450 से 600 mm के बीच में लगाया जाता है, क्या मिड रेल, और एक लगा 950 से 1200 mm के बीच लगाया जाता है, वो क्या होता है टॉप रेल, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है कि ये है कि नहीं है, है ना। अगर ये सब है तो समझो कि स्कार्फ फोल्डिंग काम करने लायक है, उसके बाद टैग लगा हुआ है तो ओके है, नहीं तो अन्यथा आपको काम करने में उसमें बहुत बड़ा खतरा का ये बहुत बड़ा नुकसान को भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें चेक कर ले एक बार तभी काम करें। और एक चीज़ और कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं काम करने तो आप प्रॉपर पीपीज में, हाँ एक चीज़ तो मैं छोड़ ही दिया, अब क्या करना है कि आप मान लो कि ये तो भाड़ा बन गया, फिर उसमें क्या ऐसे ही बंदर की तरह तो चढ़ नहीं जाएंगे ना, उसमें क्या चाहिए, अरे नहीं अभी क्या चाहिए चढ़ने के लिए, लैडर, क्या लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी हमेशा सीढ़ी लगा हुआ होता है, कितना पे मालूम है, 75 डिग्री मतलब 75 डिग्री पे लगा हुआ होना चाहिए प्रॉपर रूप से, आया समझ में, है ना। तो ये अगर आप, और फिर वो जो सीढ़ी है ना जो प्लेटफॉर्म है उसके 1 मीटर ऊपर होना चाहिए, तब जाके समझो सेफ है, क्लियर है आपको काम करने के लायक। फिर आपको अगर चढ़ना है तो आप कैसे चढ़ोगे ऊपर, ऐसे ही चढ़ जाओगे या कुछ लगाओगे पहनोगे, क्या सेफ्टी बेल्ट, वो भी कौन सा, शॉक ऑब्जर्वर वाला, ठीक है ना, ताकि आपके लिए सेफ होता है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है ना। तो ये सारा चीज़ करेंगे, ठीक है, तो ये सारा चीज़ चेक करके ही काम करिए भाई, आप लोगों के लिए देखिए, क्योंकि आप काम करना है, आपके पीछे परिवार है ना, भगवान ना करे कुछ हो जाए, अगर हो जाता है ना तो बहुत बड़ा समझिए कि आप तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, पूरा परिवार को फंसाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग काम करें, आप लोगों को मैं देखता हूँ ऊपर काम कर रहे हो ना, तो कोई ऐसे काम करे जैसे बंदरों की तरह, यार ये बहुत गलत है ना, वो क्या बोलते हैं, वो सेफ्टी बेल्ट को निकाल के हाथ में लेके फिर उस पर चल रहा है, ये बहुत बड़ा गलत प्रैक्टिस है, तो आपको सुधारना है, ठीक है, अपने आप से खिलवाड़ नहीं कर रहा है, आप अगर ऐसा करते हैं तो अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, हम आपके पीछे लग रहे थे आपके लिए, ओके। सिर्फ हमारा नौकरी नहीं, आपको एक इंसानियत के नाते हमें बचाना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है जी, समझ में आया, ऐसा करेंगे, है ना, थैंक यू यार, ऐसा करोगे, बंद कर दो दोस्त।